परस्पर आप एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे, इसलिए झगड़े होते हैं। आपके विचार में शायदवाद आ जाए, आपके विचारों के अंदर एकांतवाद नहीं आना चाहिए, आपके विचारों में अनेकांतवाद में आना चाहिए। भाई अपेक्षा से बोलो, ये तीन अंगुली है, ये बीच वाली अंगुली बड़ी कहलाती है कि छोटी कहलाती है? मैं कहला एक कहता है बड़ी, एक कहता है छोटी, झगड़ा हो जाएगा दोनों के बीच में? बोलो ये बड़ी है कि छोटी है? लेकिन आप शायदवाद को जानते होंगे, आप अनेकांतवाद को जानते होंगे, तो आप एक दूसरे के विचार को समझ जाएंगे। भाई इस अंगुली को छोटी भी कह सकते हैं और इस अंगुली को बड़ी भी कह सकते हैं। समाधान हो गया कि नहीं? इस अंगुली से इससे ये छोटी है और इससे ये बड़ी है। तो ये अंगुली कैसी हुई? छोटी हुई कि बड़ी हुई? बड़ी हुई। दोनों हुई, दोनों हुई। उसको कहते हैं शायदवाद। अपने विचारों के अंदर शायदवाद चाहिए। तीसरे नंबर के अंदर क्या बोला मैंने, व्यवहार में कर्मवाद चाहिए। आज दुनिया में ना कोई भगवान किसी को सुखी दुखी नहीं करता है, लेकिन आदमी हर जीव अपने कर्मों के कारण सुखी और दुखी बनता है। एक दिन बेचारा पूरे दिन भीख मांग के पूरे दिन का खाना भी नहीं मिलता है, और आप घर पे जाएंगे आपकी मम्मी खाना आपके लिए तैयार होगा है। एक को खाने को नहीं मिलता, एक को जो खाना है वो खाने को मिल जाता है। तो ये भी सब क्या है, आपने व्यवहार में कर्म अच्छे कर्म किए होंगे तो उसके आपने अच्छे पुण्य के कार्य किए होंगे तो आपको सब हर प्रकार की आपको सामग्री अनुकूलता मिलेगी। लेकिन बुरे कर्म का उदय होता है तो मिला हुआ वो भी कभी कभी कोई हाथ में से झूठा करके लेकर के चला जाता है। तो इस तरह से व्यवहार में किसको आगे रखने का, कर्मवाद को, आचार में अहिंसा, व्यवहार में विचारों में शायदवाद, व्यवहार में कर्मवाद। कर्म को आगे लो भाई, मैं दुखी हुआ तो मेरे कर्म से दुखी हुआ, किसी ने मुझे दुखी नहीं बनाया। और तीसरे नंबर में है जीवन के अंदर सादगी। आपका जीवन, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, जीवन कैसा होना चाहिए? सिंपल, सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, मतलब आपके सोच विचार ऊंचे होने चाहिए लेकिन आपका जीवन सादा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग। तो अपने जीवन के अंदर निष्परिग्रहिता, मतलब जितनी आपकी आवश्यकता कम होगी उतने आप ज्यादा सुखी होंगे। क्या होंगे? दुनिया में तो जात जात की फैशन आती है, लेकिन आपके जीवन में परिग्रह है मुझे पांच ड्रेस से ज्यादा नहीं रखना है, तो आप पांच ड्रेस में आपको संतोष मिलेगा। नई डिजाइन है, अरे ये भी ड्रेस लाना है, ऐसा भी लाना है, ऐसा भी, आपकी इच्छा तो होगी लेकिन आपके जीवन में सादगी होगी, आपके जीवन में नियम होंगे कि मुझे पांच या दस ड्रेस से ज्यादा नहीं रखना है, तो आप दस ड्रेस में से कोई भी ड्रेस आप पहन करके चले जाएंगे। लेकिन आपका नियम नहीं होगा, आपके जीवन में सादगी नहीं होगा, अरे अभी तो ये नई डिजाइन है, ये अभी तो ऐसा आया ऐसा आया, सबको लेने की आपकी इच्छा होगी। तो जीवन में आपके सादगी होगी तो आपका जीवन भी अच्छा बनेगा। और नियति को सलाम, मतलब जिस तरह से नियति में जो भी घटना घटती है वो अवश्य घटने वाली है। ज्ञानी भगवंत ने अपने ज्ञान में जो भी घटना देखी है वो घटने वाली होती है, तो इस तरह से उसको स्वीकार करना। क्या करना? हर घटना को स्वीकार कर करके उसमें से अपने को जो सीखने का मिलता है उसको अपने को सीख लेना चाहिए। तो भगवान महावीर ने अंतिम में सुखी बनने के पांच संदेश दिए है। पहला नंबर में संदेश चैरिटी बिगेंस फ्रॉम होम, आचार में अहिंसा, विचारों में शायदवाद, व्यवहार में कर्मवाद, जीवन में सादगी और नियति को सलाम। इस तरह से इन पांचों संदेश को भी अपने जीवन में आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि गुरुदेव आए थे स्कूल में, ये पांच भगवान के, महावीर भगवान के हर जीव को सुखी बनने के लिए पांच संदेश दिए है। उन संदेशों पर आप विचार करना और इस तरह से अपने जीवन को मंगल बनाना। यहाँ के प्राध्यापक के लिए सबको भी धन्यवाद है, और ये हमारे नरेंद्र भाई के सुपुत्र, क्योंकि आप कभी हमारी जमीन पर ये स्कूल चल रही है, आपकी ये भूमि भी एक विद्या भूमि बन गई है, जहाँ इतने सारे लड़के पढ़ते हैं और अच्छी तरह से शिक्षण को ग्रहण करके। तो आप लोग यहाँ किस लिए आते हैं? ज्ञानार्थम प्रवेश और सेवार्थम प्रस्थान। यहाँ से जाएंगे तो सबकी आप सेवा करना, देश की सेवा, समाज की सेवा, नगर की सेवा, सेवा करके अपने जीवन को धन्य।